सोम पर में भोजन चाचा बनाए थे पेई बनाते अरे पलम में रे भरे ओ बूढ़ी ओ बूढ़ी चाचा बड़े हंसे ओ बूढ़ी 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 दुनिया की छोरी बहुत सिर मारे पत्ते घर ही छोरी बड़ी चालाक निकली बड़ी होशियार निकली का बात है घर की लोड़िया ने अपन फैसला बने आप ही कर लो कैसे बताओ देख हमारी तुम्हारी आत्मा ही कह छोरी इंद्र देव के यहाँ चली जाए सही है इंद्र देव यहाँ चली जाए देवी कहलावे बिल्कुल बैठने को पुष्प विमान मिलेंगे और क्या और ते सूखा वर्षा की मालिक रह जाएगी बिल्कुल होगी ते मोपा बुढ़ापा आएगा मो पे अपने फेंटे ना फिट तू बेला की सटन ना खिट्टी होते और देख मैं धान लगाऊंगा 5 बीघा अगर ना बसो लंबो से 500 लाख की लल्ली के घर गलाए दूंगो फट वर्षा करा लल्ली के घर गलाए देंगे इंद्रदेव के हाँ बादरा में बादरा में हाँ अब लल्ली ने फैसला करो है जो बिना अग्नि के और बिल पानी के भोजन बना दे वही मेरा पति कहलावे और क्या काम मानस कोई करना सकत भाई मानस कौन करेगा इंद्र देवता 33 करोड़ देवतन के मालिक है वे ही करेंगे और वे ही कर सकते हैं ये बात सही है सब राजाओं के लिए इस बात के लिए बता दो बताऊंगा सब होएगा काल पे और ये जमालपुर की तरफ से ये इंद्रजीत इंद्रजीत ये हलवाई साहब ये 20 रुपए हमारी पार्टी के लिए देते हैं पार्टी हाथ के धनवार करते हैं तो देखिए इधर इंद्रदेव और राजा भीम के पास जाते हैं किस तरह से आज चलते जाने है गए मेरे भैया पाखई और भीमा से केले को और पापा भारी रे जाने लग रहो देख दरबार राजा यरे बैठे बैठे देवलोक के इंद्र देव भी बैठे हैं आज अपने हैं ठाट बामनगढ़ के राजा बैठे बैठे हरियाणा के राजा भी सबसे पूछते हैं तुम कहां के राजा हो तुम कहां के राजा हो क्यों क्यों पीछे वाले हो भूरी मुछन वाले हो मुड़ासो बांध बैठे हो कहां के राजा हो झांटू आइयो ने कहां के राजा हो ए देख ले फान की धोती बांध के ए कुर्ता प्रेस करके आए मुंह में दांत ना है पेट में आंत ना है ए रूह के रसगुल्ला पीना है कह चलो भीम की लल्ली को ब्याह हुआ है ए रूह के रसगुल्ला मिलेंगे ना भीम की लल्ली के चक्कर में आए देख रहे हो बिन अग्नि बिन भोजन के बिन अग्नि बिन पानी के भोजन बनाए देगा अब समेट गए ना बनेंगे क्यों तब कहां के लाल मुड़ा से बारे हो सरदार जी लग रही है कहां के राजा हो पंजाब के ए बिन पानी के बिन अग्नि के भोजन बनाए देंगे तो जहां टू आओ आओ तो फिर है सिमट गए ना बनेंगे अरे
देख रहे वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, जे ज्यादा मुश्किल से चे तो हाथ आगे अचानक जेठ में खुड़क जाएंगे सेव चले आ रहे हैं। ए राजा भीम की नली लुट रही है, लुट रही है, देख रहे हो पेट में दांत ना है मुंह में हाथ ना है, सेव चले आ रहे हैं। लोरिया लोरिया चक्कर में आए, असल बात तो जो लोरिया ज्यादा खपचूतर है खूबसूरत है हमारे आ रहा है। क्यों जी तुम कहा के हो, तुम्हारे पीछे बार सब सामान जो लिपट रहे हो तुम कहा के हो? अरे जो तेज़ दौड़ी गए लेते थे ही क्यों साहब, क्यों टोपी शंकर तुम कहा के हो? कुर्सी पाव हला रहे हो साहब, क्यों तुम्हारे पाव कैसे हल्ला हुआ है, का चक्कर हुआ है? इनको मुंह खोना है जो तो जवाब ही ना दे रहा है, ये तो भोजन को नाम सुन तक नहीं, तो पहले से पहले ना बज कट कट होल होल बोल रही है। क्या भैया टोपी वाले हो? ए क्या स्टूडियो वाली हो वाले हो? तुम्हारो मौको है फिर का करने आए यहाँ पर? ए यहाँ कार्य कोशन चले आ रहे हो तीन तेरे दाद? क्या भैया साढ़वा रहे हो विपन सांडवा रहे हो? तुम्हारे मुंह को है बिन अग्नि के बिन पानी के भोजन बना देगा फिर क्या कहता सिखो आयो है? देख रहे हो एक छान के पूरा ले करेंगे यदि बटी ने थोड़ी करी फिर रहे हैं। मेरी नाक में दम खत्म हो जाएगा या कुश्ती ना पूछ रही है तो आदि बिना बुला हुआ है समझे? क्या श्रीमान जी कहा के रहने वाले आप, क्या नाम है? चाचा जी राम राम। देख रहे हो सांडवा रहे आवरी देना भी तो था, चाय चाय ले आओ, चाय मांग रहे हैं। चाय नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे तो सलाम कर रहा हूँ। घर से भेज दे तो घर से ही घर से घर से चाचा जी नमस्ते। चांदी बैठ ले बैठ ले मेरे खोपड़ा पे। अब नीचे निगाह डाल रहे हो सांडवा रहे हो देख रहे हो कल ए ये कवल को आपको घर दावत खान आएगा एक कोर्स लंबे कर रहे का चाय राम राम चाय भेजते ही राम राम चाय ना देख रहे हो? एक मेरी भैंसी आई वो बिस्कुट है हैं अब कर रहे हैं चाय ए वो बाम सवेरे बूढ़ी धुन बैठी तो बहन से ऊट मारो आएगा भैंसिया कूद गई अब मांग रहे चाय भैंसिया के कूद चाय बेटा चाय चाय नहीं मांग रहा हूँ मैं। तुम्हारी तो सब बात ही है लल्ला लल्लू मेरी तुम पहचान बनाया है। मेरे दिमाग खराब है कैसे मैंने डीलर साहब पैसे फूल सी बैठे एक कुंटल चावल मंगाए ले रिश्तेदार आ गए खाएंगे पियेंगे एक कुंटल चंदका डेढ़ कुंटल फिर मंगाए ले ढाई कुंटल चावल सूत गए चांद को नोता भेजो तो बिना नोता छे आए यानी हो तुम अगर आए और ब्याह सोहाए अपन संग में बहिरमानी भी आए हाँ पूरे घर को लगाए बहिरमानी आई है सोहाई है तो बड़े पिल्लन को संग ले आई है बालकन को पिल्ला नहीं होंगे बच्चे होंगे और मेरे घर में चावल खाए खाए के बालकन ने मूत मूत के रह तो कद हुए समझे मेरा दिमाग खराब है पीछे कद ही है। हाँ अब तुम्हारी सब बात है चाचा जी सब तैयार है चाय भाई चाचा जी भाजा जी कोई ना तो ना है चाय तुम्हारे लायक की एक शर्त है कौन सी शर्त यह है कि सभी देवता यहाँ बैठे हैं चाचा जी एक कारो मो करके चले जाए यहाँ से समझे दोस्तों जब राजा भीम के लिए ये मालूम हुआ कि इतने राजा बैठे हैं सबने मना कर दिया इंद्रदेव ने भी मना कर दिया तो पैरों की जमीन हिल गई इंद्रदेव रोने लगे क्या कहने लगे बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं अरे बनी के बिगड़ जाए दुनिया में तो दुश्मन हजार दुख मोए दियो रे विधाता ने अरे होतन डारो रे मारे जनो जबो में मेरी माता ने करो पैसे में मेरे रे भैया
बुढ़ापे के बीच डूब गई अदबर मेरे नैया। राजा भी रो रहे हैं सहमर में और क्या कहने लगे दोस्तों। देश देश के राजा बैठे थे, इंद्रदेव भी थे, सभी राजन की तरफ देख करके क्या कहने लगे, ये देश देश के राजा देखे हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ये प्यार तजे हम इस सहमर में दुख हमको दिया विधाता ने, दुख हमको दिया विधाता ने, तुम्हें दी बेटी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। भीम रो रहे बहुत उदासी से, कहने लगे मुझे इतना दुख भगवान ने दिया, इतना किसी को न देना चाहिए। क्या बेटी एक ऐसी चीज है दुनिया में, प्यारे प्यारे दोस्तों मेरी सुनने वाली प्यारी प्यारी जनता हो, दुनिया में दो इज्जत होती है, एक इज्जत पहली इज्जत होती है बेटी और दूसरी इज्जत होती है देश में रोटी। जिसकी बेटी सही है वो दुनिया में कहीं बोल सकता है और जिसके पास रोटी है उसके लिए दुनिया नमस्ते करती है। आज भीम राजा रो रहे हैं और कह रहे हैं, मगर दिन में ख्याल आया भगवान ने किसी का गुमान नहीं रखा है, मेरी बेटी ने यह गुमान किया है कि बिन अग्नि के बिन पानी के भोजन बनाएगा वही मेरा पति कहेगा, कोई ना कोई जरूर बनाएगा, उसका गुमान चूर जरूर हो सकता है। मैं आगे बढ़ के देखता हूँ, दोबारा फिर चक्कर लगाता हूँ। तेरे नारे भी बने रे कीनी, अरे धोरे सहमर के रे बीच रास्ता आगे की रे नीनी। समझ अब भीमा करे आई, ऊंचे से फेरा पैर थबा पर यो एक लगाई। भीम जब देखा कि ये रथवा खड़ा है, ऊंचे से फेरा पे यहां मैं नहीं गया हूं, पता नहीं ये कोई राजा बाद में आया हो, यहाँ चलकर देखूं। अरे भैया आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? आप कहते हो कहाँ के रहने वाले हो? हमारे मालिक काशी जी शहर के रहने वाले राजा टीकम, उनके रथ के हांकने वाले उनके नौकर। काशी जी के टीकम राजा के लिए मैंने चिट्ठी भेजी है। उनके रथ के हांकने वाले स्वार्थी, घोड़ों की घास छीनने वाले नौकर। आपके महाराज कहाँ हैं? आप ये बताइए, उनका काम हम भी कर सकते हैं। देख रहे हो ऐसी दुनिया है, घोड़ा नाल ठोकवा ले तो मिड़की नहीं समझी, मैं ठोकवा ले तो पर रह गई। राजन पे कोई काम ना हो, देवतन बनावो, नौकर घास को खुचन मारो, कह रहा हो उनसे क्या मतलब है, पहले मुझे बताओ मैं काम करूंगा। बताइए, देख रहे हो आवाज बड़ी टनाटन है बिंचू, यानी राजा का काम तुम भी कर सकते हो। और नए हो तो फिर उसकी बात की है, पहले बताओ कौन सा काम है। यहाँ देश देश के राजा आए हुए हैं और देवप्रीत इंद्रदेव आए हुए हैं, आप भी आए हो। हमारी बेटी की ये शर्त है कि बिन अग्नि के बिन पानी के जो भोजन बनाएगा वही मेरा पति कहेगा। एक बात और है राजा भीम, किसी नौकर ने काम कर दिए तो क्या होगा? क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, अपनी लड़की की विदा उसी नौकर के साथ करेंगे। नौकर के साथ होगी। हमारे यहाँ नौकर राजा रंक भिखारी सब एक ही समान है। एक बात और सुनो राजा भीम। कौन सी? जो अगर किसी ने बावनगढ़ के राजा है 33 करोड़ देवता है, हैं? किसी ने लड्डे थन पटे भजपत देख कर निंद्रा कर दी तो क्या होगा? क्या होगा? जो बावनगढ़ के रे राजा कहियो। हाँ बावनगढ़ के राजा हैं। निंद्रा कर दी जो भीम किल पे पेरी एक बच्चे गोरे नाय मारे जागे तई भीम सुकुल पे क्या तई फिर चन्नी ओला क्या बात है? बात का हमें तो दिख रही है छोरी पट्टा की है, छोरी हमें ले बैठी है। ए लल्लू एक बात बताओ, तुम इतने गरम क्यों बोल रहे हो? अगर ज्यादा गरम बोलो मेरा दत्त छूट जाएगा, आराम से बोलो। गर्मी की बात नहीं है। हाँ बोपा बुढ़ापा बोपा ऐसी ज्यादा तेज आवाज बर्दाश्त ना होती है। और आप कहते हो? हाँ बोलो। अगर उसने कहिए कहिए लड़के राजा, अरे जो कऊ कह दई जा भीम किल पे का कह दई इबारा कहेंगे तो कुछ गवारा कर लूंगा, दोबारा कहेंगे कुछ नहीं कहूंगो। अच्छा अगर तिबारा कह दई तो एक गाली दो गाली देंगे तो भी कुछ ना कहूंगा, एक गाली दो गाली देंगे तो भी कुछ ना कहूंगा, और जो गाली खो तीसरी देंगे फिर क्या होगा? अगर तीसरी गाली दे दी तो क्या होगा? क्या होगा? जो गाली खो तीसरी तरंगो जरूर जाए लल्लू। मैं अपने दरवाजे पे कतल ना छह रहा हूँ, मैं राजी बाई तो छोरी की विदा करूंगो, तुम तो भोजन बनाओ। आप कहते हो मैं राजी बाई से, मेरे यहाँ लड़ाई कोई मतलब ना है। कोई मतलब नहीं है मेरे दरवाजे पे लड़ाई बड़े बड़े नुस्कान होते हैं। तो फिर सही है, मेरे दरवाजे पे तुम कैसी लाश बिछावो है? फिर बिन अग्नि अरे बिन पानी के भोजना क्यों मैं जरूर बनाए, शादी होएगी तेरे बनती के पा में तेरे रे लगे, तात न कहियो शरत करिए मंजूर, अरे पीर तो राजा डरे लाइए राजा भीम। हेलो देख रहे हैं भैया सब लोग।